welcome to my channel. Jo log naye hain, thank you so much for coming on my channel. And jo log already subscribe kar chuke, thank you so much for your support. So main leke aayi hu aaj ka gyan. Aaj ka gyan kya hai? Golden triangle of success. Yes, sahi suna aapne. Kya aap jante hain golden triangle of success ke bare mein? Triangle kya hota hai? Trikon aakar hota hai, right? To teen cheeze usme bahut important hoti hai jo triangle banta hai aapke success ka. Sabse pehle kya hai? 100% responsibility. Yes. 100% responsible होना बहुत जरूरी है। हम लाइफ में क्या करते हैं, जब भी कोई कॉन्ट्रास्ट आता है या कोई चैलेंज आता है, हम क्या करते हैं, हम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम 100% responsible होना नहीं सीखते। इसकी वजह से ये हो गया, उसने ये किया इसलिए ये हुआ, अगर वो वैसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, करते हैं कि नहीं। बट कितनों ने 100% responsibility ली और कहा कि नहीं, हाँ आपने सही कहा, ये शायद मेरी कुछ बेदरकारी के वजह से हुआ है, ये मैंने सही नहीं किया, मैं ऐसा करती तो ठीक रहता। सो ये क्या होता है, आप 100% responsible होते हैं। इसमें होता क्या है ना कि जब आप 100% responsibility होते हैं, आप external factors जो होते हैं, जो दूसरों पे blame करके आप powerlessness की feeling अपने अंदर लाते हैं, उसको आप remove कर देते हैं। क्योंकि कभी कभार ब्लेम गेम में ना हम पावरलेस फील करते हैं, हम करते हैं उसके कारण मेरे काम नहीं बन रहे, नहीं मेरे कारण मेरे काम नहीं बनते, अगर मेरे कारण मेरे काम नहीं बनते तो देयर इज अ चांस कि आई कैन चेंज माई सेल्फ एंड मैं अपने आप को इस तरह से चेंज करूं कि मेरे काम बनने शुरू हो जाए। दैट इज 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह से मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को छोड़ के वो सारी पावर मैं अपने पास वापस खींच लेती हूँ एंड मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ एंड आई बिकम पावरफुल क्रिएटर माई सेल्फ। इसलिए लाइफ में कभी भी कुछ भी हो, रिमेंबर यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल। जिस दिन ये बात समझ में आएगी और जिस दिन आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू कर दिया, आपका ट्राइंगल बनना शुरू हो जाएगा ऑफ सक्सेस, गोल्डन ट्राइंगल ऑफ सक्सेस, दैट इज 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका फर्स्ट त्रिकोण है। सेकेंड क्या है, सेकेंड त्रिकोण कौन सा है? सेकेंड इज कॉन्स्टेंट लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि चलो ये डिग्री ले ली, ये कर लिया, तो अभी जॉब मिल गया, तो अभी क्या हमें डेवलपमेंट की जरूरत है? नो, यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग देन। कॉन्स्टेंट लर्निंग बहुत जरूरी है। आपको पता है मल्टी बिलियनर्स लाइक बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट, बिल गेट्स ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे डेली पढ़ते हैं, और वो भी ऐसे नहीं सेल्फ हेल्प की बुक्स और पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, एंड वॉरेन बफेट तो पूरे 5 घंटे पढ़ते हैं रोज का। तो अभी आप सोच सकते हैं, अगर हमें उस लेवल तक पहुंचना है तो हमें अपने आप पे कितना काम करना जरूरी है। यस, ये गोल्डन ट्रायंगल ऑफ सक्सेस जो है, ब्रायन ट्रेसी की मेथड है, और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब भी हमें कभी भी लाइफ में आगे बढ़ना है, कॉन्स्टेंट लर्निंग इज नेसेसरी। यू शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट इन लाइफ, क्योंकि आपको नहीं पता कहां से कैसे ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपको विजडम मिल सकता है। यू शुड ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड एंड कॉन्स्टेंटली अपने आप पे काम करना चाहिए, कभी भी वो छोड़ना नहीं चाहिए। आपने बुक्स पढ़नी हो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं आप, वेबिनार्स अटेंड कर लीजिए, सेमिनार्स अटेंड कर लीजिए, रिट्रीट्स अटेंड कर लीजिए, जहां से आपको ज्ञान मिल सकता है जाइए और वो ग्रहण कीजिए। कोई मेंटोर मिल रहा है तो उसके पास जाइए वो ग्रहण करने के लिए, ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा है उसके वीडियोस पे जाइए एंड ट्राई टू इम्बाइब दैट नॉलेज। पर कभी कभार हम क्या करते हैं ना, हम ऐसे वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। नहीं, आपने वो इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। यस, दैट इज द थर्ड त्रिकोण, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर गोल्डन ट्राइंगल ऑफ सक्सेस, दैट इज अचीविंग योर गोल्स। आपने सब कुछ देख लिया, ज्ञान ग्रहण कर लिया, लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, कैसे जाओगे? आपने जाना था कन्याकुमारी, ट्रेन में बैठे ही नहीं आप, टिकट विकेट सब कटवा लिया लेकिन ट्रेन में बैठना भूल गए, तो कहां से पहुंचोगे ना अपनी डेस्टिनेशन पे? नहीं पहुंच पाओगे। उसके लिए आपको क्लैरिटी ऑफ गोल्स होना जरूरी है एंड उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने जरूरी है। यस, एक्शन, वंस आपके पास वो लर्निंग हो गई, सब कुछ हो गया, तो आपका जो एक्शन है लेना बहुत जरूरी है। अभी ऐसा नहीं है आपने पहले अलाइनमेंट में आना फिर ही एक्शन लेना है, ऐसे नहीं हाथ पैर मारना है हवा में, नहीं। इसीलिए मैंने बोला है क्लैरिटी ऑफ गोल्स इज वेरी मच नेसेसरी। हो सकता है कि कभी बार हमें क्लैरिटी नहीं होती, हाथ पैर हम मारते, हमने जाना होता कश्मीर, पहुंच जाते कन्याकुमारी, ये नहीं करना है। हमने पूरी क्लैरिटी लेनी है अपने गोल्स की और फिर छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं उस तक पहुंचने के लिए। यस, ये है लास्ट त्रिकोण ऑफ गोल्डन ट्रायंगल ऑफ सक्सेस, दैट इज क्लैरिटी ऑफ गोल्स एंड टेकिंग एन एक्शन ऑन इट। तो जब भी हम वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, हमें माउंट एवरेस्ट समिट करना है,
तो हम छोटा स्टेप क्या लेंगे, हम अपनी फिटनेस पे काम करेंगे, फिर हम काठमांडू नेपाल की टिकट्स बुक करेंगे, वहां से हम हायर करेंगे किसी गाइड को जो हमें लेके जाएगा बेस कैंप की तक, बेस कैंप के बाद हम वहां पे रुकेंगे, फिर करेंगे और फाइनली हम एवरेस्ट समिट करेंगे, यू नो। सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड काफी सारी चीजें होती है, हमने एक स्टेप एट अ टाइम देखना है एंड द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। सो इस तरह से हम कर सकते हैं। हम लोग कभी कभी क्या होता है ना, फर्स्ट स्टेप पे ही हम इतना डर जाते हैं वो सोच के कि हाय मैं एवरेस्ट कैसे चढ़ूं जबकि मेरी तो फिटनेस ही नहीं है। नहीं, हमने डरना नहीं है, फिलहाल उस टाइम पे हमारा गोल होता है सिर्फ फिट होना, तो फिट हो जाओ, बाद में एवरेस्ट का सोच लो, उसको बैक ऑफ द माइंड आप गोल रख सकते हो कि हाँ दैट इज द एंड रिजल्ट, आई वुड लाइक टू हैव फिटनेस ऑफ दैट लेवल कि मैं एवरेस्ट चढ़ पाऊं, लेकिन उसको देख के डरना नहीं है हमने, वो बस नेक्स्ट स्टेप लेते जाना है एंड हमें अपना गोल कब अचीव कर लेंगे हमें पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली ये ब्रायन ट्रेसी की बहुत ही फेमस मेथड है, दैट इज गोल्डन ट्राइंगल, सक्सेस के तीन यू नो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो आप यूज कर सकते हैं। पहला इज 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ में जो कुछ भी होता है टेक योर पावर बैक, बी 100% रिस्पॉन्सिबल। सेकेंड इज कॉन्स्टेंट लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट, हमेशा अपने आप पे काम करो नो मैटर वॉट, कितनी भी आपकी उम्र हो जो कुछ भी हो हमेशा काम करते रहो, ऑलवेज बी अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। एंड फाइनली जब भी काम करो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट जो कुछ भी है उस ज्ञान को अपने गोल्स को कंप्लीट करने में यूटिलाइज करो, एक एक्शन लो जो आपको हेल्प करे आपकी डेस्टिनेशन आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये मेरा गोल्डन ट्राइंगल ऑफ सक्सेस अच्छा लगा होगा, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, बाय।